माय नेम इज मोहम्मद आजम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ आपके खिदमत में आ रहा हूँ। हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम के हमारे पास बुक का सेकंड ईयर के अंदर बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो आउटलाइन है उसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से आउटलाइन जो उनकी है उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस बुक को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है, ठीक है, जो कि 1890 में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सी है ना, बेसिकली अपने मफहूम के अतबार से अगर आप देखें तो ये इंजीनियरिंग और साइंस की ना एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि अपने अंदर क्या रखती है, बहुत ज़्यादा वसी तर मफहूम रखती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये इंजीनियरिंग और साइंस के जो ब्रांच है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके इस्तेमालात को, ठीक है, उसके इस्तेमालात को, उससे जो उनसे हासिल होने वाले, यूटिलाइज़ करने वाले, जो इस्तेफादा करने वाली चीज़ें हैं उसके साथ हमारा जो होगा वास्ता पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सी है, इलेक्ट्रॉन डिवाइस बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन से निकला है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिवाइस का मतलब ये है कि ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉनों का बहाव जो सा है उसको किसी खला में, गैस में या सेमीकंडक्टर के ज़रिए क्या किया जाता है, वाकया किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या करते हैं काम, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस रेक्टिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस जो सी हैं एम्पलीफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कंट्रोल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जनरेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और रोशनी को बिजली में तब्दील करने के लिए, और बिजली को रोशनी में तब्दील करने के लिए भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्लियर है जी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नॉलेज है बेसिकली इसकी बुनियाद जो होती है वो 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है, रखी गई है, ठीक है। तो 1902 के अंदर, 1902 के अंदर क्या किया गया जी, डायोड ट्यूब जो सी है वो क्या हुई है, इन्वेंट हुई है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे आउटलाइन के अंदर कि डायोड जो सा है वो सबसे पहले क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। सेमीकंडक्टर मटेरियल की मदद से क्या किया था, डायोड ट्यूब क्या की गई थी, उसको ईजाद किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे तब्दीली आती गई, जैसे जैसे क्या किया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जो डायोड ट्यूब है उसके अंदर भी क्या होती गई, इम्प्रूवमेंट होती गई। फिर 1906 के अंदर क्या हुआ, ट्रायोड ट्यूब ईजाद हुई, ठीक है, जिसकी मदद से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की जो दुनिया है उसके अंदर मजीद इनकलाब जो उनसे बरपा हो गया, जिसके नतीजे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जो सी है वो मुमकिन हो सके, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर ने मजीद जो सा है वो तरक्की की है 1948 में, जब क्या हुआ है, ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। ट्रांजिस्टर क्या है, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये इम्प्रूवमेंट मजीद जब हम लोगों ने किया, डायोड के अंदर ट्रायोड बना, टेट्रोड बना, पेंटोड बना, देन उसके बाद क्या हुआ, फिर ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। तो ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से क्या हुआ है, सेमीकंडक्टर के अंदर मजीद क्या हुई है, तरक्की हुई है। 1956 के अंदर क्या हुआ जी, बेल लेबॉरेटरीज के अंदर जो सा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया गया था, जो कि एक ट्रांजिस्टर था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर था, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या किया गया था, 1956 के अंदर बेल लेबॉरेटरीज के अंदर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया गया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, जो सेमीकंडक्टर जो हमारे पास एक हमारे पास मटीरियल है उसके अंदर क्या हुई थी, मजीद उसके अंदर तरक्की हुई थी। आज हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन की। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन, लास्ट टाइम भी आप लोगों से बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन से क्या मुराद है। जिस तरह लफ्ज़ से ही जाहिर है कि एमिशन किसको कहते हैं, किसी चीज़ का इखराज, किसी चीज़ का किसी सिता से क्या होना, इखराज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन भी यही चीज़ है हमारे पास के किसी धाती सिता से कोई मखसूस बैरूनी एनर्जी, किसी धाती सिता को कोई हमारे पास मेटल है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कोई हम लोग बैरूनी एनर्जी उसको क्या कर रहे हैं, फ्राहम कर रहे हैं। वो एनर्जी क्या हो सकती है, वो हरारत की एनर्जी भी हो सकती है, वो रोशनी की एनर्जी भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम फ्राहम करें किसी धाती सिता को कोई मखसूस बैरूनी एनर्जी, जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम दिया है, वो हम उनको क्या करें, हरारत, रोशनी या इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फ्राहम करें, तो इसकी सिता से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होता है। इस अमल को क्या,
इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं, ठीक है जी। तो हम इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, थर्मोनिक एमिशन है, इसको हम प्राइमरी एमिशन भी कहते हैं, ठीक है जी। थर्मोनिक एमिशन है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमिशन भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम लोग क्या, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जिस तरह नाम से जाहिर है, इसके अंदर ये चीज़ क्या है कि रोशनी की मदद से क्या करवाना, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन भी हमारे पास है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास फील्ड एमिशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्मोनिक एमिशन की। व्हाट इज़ द थर्मोनिक एमिशन? तो थर्मोनिक एमिशन के तरीके के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन खारिज करने वाली जो धातु होती है उसको, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो धातु है उसको, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है, ठीक है। तो हीट करने से क्या होता है, जिसके नतीजे में इसके नतीजे में क्या होता है कि धातु की सतह में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी के अंदर क्या हो रहता है, इजाफा हो रहा है। क्या हो रहा था जी, उसकी जो हरकी तवानाई है इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल एनर्जी में, या उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, इतना इजाफा हो रहा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का इखराज शुरू हो जाता है। तो धातु की सतह से खारिज होने इलेक्ट्रॉन्स की धातु का इन्हिसार धातु के दर्जा हरारत पर होता है, कि जितना ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर फ्राहम करेंगे उतनी ही मिकदार के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एमिट होंगे। क्लियर है जी। देन हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मिशन जिसकी मदद, जो कि क्या है, रोशनी की मदद से क्या करवाना, इलेक्ट्रॉन जो रोशनी की मदद से क्या करवाना, किसी सतह से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना, खारिज करवाना, ठीक है जी। जब रोशनी की क्या है, रोशनी के लिए जो हसास जो धातु मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उन मतलब आप देख सकते हैं कि जो हसास धातु सतहें हैं, मखसूस धातु मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, पोटाशियम है, रेडियम है, सोडियम है, ठीक है, सीजियम है, ठीक है। तो इनकी सतह पर क्या होती है, रोशनी की शुआएं पड़ती हैं, तो इसके कुछ आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोशनी की तवाई तवानाई जो उनकी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, इजाफा हो जाता है, ठीक है। नतीजतन क्या होता है, नतीजतन क्या होता है कि इन सतह से, इन सतहों से इलेक्ट्रॉनों का इखराज शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस इखराज को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का नाम देते हैं। क्लियर जी। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, इसका इन्हसार कुछ बातों पर होता है कि आप मखसूस धातु सतह या जो हमारे पास सरफेस है उसको रोशनी की कितनी इंटेंसिटी जोन सी या बराह रास्त फ्राहम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में कितने इलेक्ट्रॉन जोन से मुखारज हो रहे हैं, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की मदद से आप उसको फ्रीक्वेंसी फ्राहम कर रहे हो, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मदद से वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। एमिशन धातु सतह पर रोशनी पड़ने से शुरू होता है। एमिशन कैसे स्टार्ट होगा, कि जैसे ही लाइट जोन सी है वो सरफेस पर पड़ेगी, तो इसकी मदद से क्या होगा, रोशनी के तो जैसे ही लाइट सरफेस पर पड़ेगी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोन से हैं एमिट होना शुरू हो जाएंगे, इखराज होना शुरू हो जाएगा उनका, और जैसे ही रोशनी मुनकता होगी तो क्या हो जाएगा, एमिशन भी रुक जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन हमारे पास क्या है, कि जिस तरह आप लोगों ने प्राइमरी एमिशन पढ़ा था, कि प्राइमरी एमिशन में क्या था कि हम लोग धातु जो टुकड़ा है उसको गर्म करते हैं, सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या करते हैं, किसी धातु सतह पर हम लोग क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के टकराव के जरिए, किसी धातु सतह पर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के जरिए क्या किया जाता है, इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के खराज वाला तरीका क्या कहलाता है, सानवी या सेकेंडरी एमिशन की बात है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन इस तरीके में किसी धातु सतह के इलेक्ट्रॉन का ये जो तरीका है, जो सेकेंडरी मिशन है, इसमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन के इस तरीके में किसी धातु सतह पर जो कि कैथोड है, कैथोड पर हाई वेलोसिटी की क्या जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, हालांकि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या की जाती है, बम्बार्डमेंट की जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन खारिज होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के अखराज का ये तरीका क्या कहलाता है, सेकेंडरी एमिशन कहलाता है। क्लियर है जी। देन फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड एमिशन की। फील्ड एमिशन क्या है जी, फील्ड मिशन जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक मजबूत फील्ड जोन सी है वो कायम की जाती है, ठीक है। आप लोगों ने पीछे देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो नेगेटिव चार्ज शुदा जर्रात होते हैं, और मुखालिफ चार्जेस जो क्या होते हैं, मुस्बत या मनफी क्या करते हैं, दूसरे को कशिश करते हैं। इसलिए जब किसी धात पर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स पर क्या किया जाता है, किसी धात पर क्या किया जाता है, किसी धात के ऊपर एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स पर जो
जी फील्ड मिशन हमारे पास जो जिस तरह मैं बात करूंगा आपसे कि फील्ड मिशन के अंदर हमारे पास क्या है कि हम लोग फील्ड मिशन के अंदर किसी धातु की सतह पर क्या किया रहता है कि एक मजबूत मकनातीसी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या किया रहता है जो क्या होता है बहुत ज़्यादा जो क्या करता है पॉजिटिव वोल्टेज उसके अंदर होते हैं उसके इस्तेमाल करने से हम क्या करवाते हैं इलेक्ट्रॉन के अखराज को करवाया जाता है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप उस जो नेगेटिव चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर अगर आप क्या करें एक पॉजिटिव पॉजिटिव फील्ड पैदा कर दें, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दें, तो वो क्या करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे धातु सतह से एमिट हो जाएंगे, ठीक है। और जिस वोल्टेज पर ये फील्ड एमिशन शुरू होता है इसको क्या नाम दिया रहता है, उसको थ्रेश होल्ड वोल्टेज का नाम दिया रहता है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन था, और इलेक्ट्रॉन एमिशन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर थर्मोनिक एमिशन है, ठीक है, हीट की मदद से है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है रोशनी की मदद से है, सेकेंडरी एमिशन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सेकेंडरी एमिशन है जिसके मैंने अभी आपसे बात की है कि हम लोग क्या करते हैं जो सेकेंडरी एमिशन है उसके अंदर क्या किया रहता है कि सेकेंडरी एमिशन के अंदर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। फिर उसके बाद फील्ड एमिशन है, और फील्ड एमिशन के अंदर क्या है कि पॉजिटिव फील्ड जोन सी है वो पैदा की जाती है किसी धातु के ऊपर ताकि वो नेगेटिव जो चार्जशुदा इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करे अपने अंदर वो क्या करे उसको अपनी तरफ खींच ले, इसकी मदद से क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन जोन से एमिट होते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी लेक्चर की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।